बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपके दोस्त सैयद और दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से रहें। लें जी, मैं आया हूं इधर मार्केट में, ज़रा स्क्रैप मार्केट स्पेयर पार्ट्स की, और यहां पे मैंने ज़रा देखना है अपने लिए स्पेयर पार्ट्स, और साथ में ज़रा देखते भी हैं कि क्या हिसाब मिलता है और क्या रेट चल रहा है। मार्केट खुल गई है, 3 बजे का टाइम है, तकरीबन 4 बजने वाले, तो बस अभी ज़रा जाते हैं, ज़रा जाके विज़िट करते हैं। कुछ स्पेयर पार्ट्स अगर गाड़ी के लिए चाहिए तो क्या प्राइस पे और किस रेंज में मिलेंगे और क्या कंडीशन होगी। नॉर्मली यहाँ पे दो तरह के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, एक इस्तेमाल होते हैं और एक नए होते हैं। तो अगर आपने नए लेने हैं तो वो थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, जैसे लाइक शॉक्स वगैरह, शॉक्स ऑब्जर्वर लेंगे तो मुझे अगर एक साइड का, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, अगर राइट साइड का लेंगे तो वो आपको मिलेगा 400 दिरहम का एक, अगर पेयर लेंगे तो वो आपको मिलेगा 800 दिरहम का। तो इस्तेमाल में ये होता है कि 200, तो बार्गेनिंग करके आपको 200 रुपये में मिल जाता है 200 दिरहम में, लेकिन बोलते तो वो 400 रुपये ही हैं एक के, यानी नए की प्राइस बोलते हैं, फिर आपकी बार्गेनिंग है। और कभी कभी 350 भी बोलते हैं, कभी कभी 300 भी बोलता है, तो आपकी बार्गेनिंग का हिसाब है, आपका तरीका, आपको कैसा आप उसके बाद से बार्गेन करवा सकते हैं। तो आप वो 150 में भी ले सकते हैं, और वो आप बस आपको देखने आना चाहिए कि वो जो शॉक ऑब्जर्वर या जो भी पार्ट्स ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सही है। भाई साहब, निसान के, निसान अल्टिमा के पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे? शॉक ऑब्जर्वर और कंप्रेसर। शॉक ऑब्जर्वर कितने का है? 300 दिरहम दोनों। तिजारी है, ओरिजिनल होगा? ओरिजिनल हाँ, लगा के देगा तो 400 दिरहम। कंप्रेसर कूलिंग नहीं कर रहे, वो रिपेयर नहीं होता कंप्रेसर। कितना बोला? 400 लगा के ऑब्जर्व, 350 आता है। ये रहेंगे ऐसे, ज़रा पूछना होता है, ये 350 बोल रहा है, हम ज़रा नाच रहेंगे उस साइड पे, हमें ये हो कि बार्गेनिंग भी हो जाएगी हमारी, और उससे ज़रा बार्गेनिंग भी करेंगे। 350 बोल रहा है, अगर सपोज़ अगर आपने लगाने हैं, एक दो जगह से और पूछ पता कर लेंगे हम लोग। हाँ, और कंप्रेसर भी मिलेगा, लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं जी, साइड मिरर लाइट्स, अपना क्या कहते हैं, साइड में लगी हुई हैं, लाइट्स लगे हुए हैं, ये भी, ये तो बड़ी गाड़ी के हैं, ये फ्यूज़, ये बता, ये क्या है? कैमरी का। हाँ, ये शेयर लगे हुए, इसे क्या बोलते हैं? हाँ, शॉक ऑब्जर्वर चाहिए मुझे, चाहिए अल्टिमा का। तुम्हारे पास थोड़े दिनों पहले आया था, मेरा गाड़ी का लॉक ख़राब था, वो सही करवाया था 2008। आगे का कितने का आएगा? अभी आराम से तुम्हारा फिटिंग करके, तुम्हारा तुम्हारा कस्टमर है, तुम्हारे पास से बनवा के गया था पीछा। दोनों चाहिए, एक चाहिए, दोनों चाहिए, तो कितने का होएगा? दोनों का आएगा तो फिटिंग के साथ 600 आएगा। कितना ज़्यादा बोल दिया, 500 सामान का है, 100 का है, 350 छोड़ के आया पीछे, 350 सामान में भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये पता कैसे चलेगा यार, मुझे भी बताओ ना, तुम अभी तुम्हारा कस्टमर आदमी, इसका हालत देखेगा तो शक्ल देखेगा तो पता चल जाएगा। अल्टिमा कितना है? अल्टिमा आपका मॉडल कौन सा है? 2008 लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, वो मिलेगा आपके पास शॉक? देखिए ना, लाइट्स वगैरह भी साइडों में पड़ी हुई हैं, पूरी लाइट्स हैं आसपास में, ये अल्टिमा की लाइट्स हैं, वो पता नहीं है बड़ी लंबी वाली लाइट किसकी है, साइड मिरर है,
पूरी की पूरी गाड़ियाँ बनी हुई हैं। हाँ भाई कैसे है भाई? हाफ कट बॉडी पड़ी हुई है, इसने लगानी है। वो अल्टीमा की है, लेकिन वो 2009 मॉडल की है, वो ये ब्लैक वाली। ये यूज पास्ट है, यहाँ पे यूज पार्ट्स जो है तकरीबन हर जगह का मिल जाएगा। केबल्स, पाइप्स, ये सब पड़े हुए हैं। ये पीछे ब्लैक बैक की बॉडी पड़ी हुई है, ग्रिल्स पड़ी हुई हैं, ऊपर बोनट्स पड़े हुए हैं, साइड फेंडर पड़े हुए हैं, ये ऊपर बम्पर पड़े हुए हैं, ये भी आपको सब मिल जाएंगे। ये बम्पर ये डाल देते हैं इनको, आप अगर किसी ने लेना होंगे बंदा लेके यहाँ से इसको ब्लैक कलर करवा के फिर इसके ऊपर कलर होगा। जंपिंग इसे बोलते हैं। ये तो 2013 का भैया, 2013 लिखा हुआ है, 13 का नहीं है। कितने का ये? 400 का? ये 400 का, दो 400 का, एक 400 का, दो 400 का। और लगा के देगा तो? लगा के देगा तो 100 रुपये ज़्यादा, 500। ज़्यादा बता रहा है यार, कम बता रहा है, ज़्यादा। नहीं नहीं ज़्यादा बता रहा है, मैं पीछे 350 में देखे आया, दोनों लगा के देगा, लगा के भी देगा साथ में। ये है जी कंप्रेसर, हैवी होता है बड़ा ये। ठीक है, सभी भी ज़्यादा बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्टीमा पार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम, अल्टीमा पार्ट्स भाई नहीं है सर? ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, अल्टीमा का पार्ट्स है, शो जंपिंग चाहिए, मिल जाएगा? कितने तक का मिलेगा? आगे मिलेगा? अल्टीमा का पार्ट्स ना पैदा हो गया। अल्टीमा पार्ट्स, अल्टीमा, अल्टीमा 2008 है, जंबे मांगता है और कंप्रेसर मांगता है। कितने का है दिखाओ, किधर है? हाँ दो, आगे का, आगे का दो जंपिंग और एक कंप्रेसर, आगे का कंप्रेसर। जंपिंग दो आएगा 340 ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल है? अच्छा, और ये कंप्रेसर? कंप्रेसर देखने पड़ेगा है कि नहीं। देखो किधर है आपका शॉप? 8 मॉडल है ना? 8 मॉडल है। ये स्क्रैप में खड़ी हुई है, ये है पिक्चर देंगे, पिक्चर देंगे, पिक्चर देंगे। एसी काम नहीं करता साला, वो बिल्कुल गर्म कर देता है, बाद में पसीना पसीना हो जाता है गाड़ी में बैठ बैठ के। पूछो पूछो अरबाब से पूछो। ये देखें, ये आपको ये निसान पेट्रोल नज़र आ रहा है, ये निसान पेट्रोल स्क्रैप में खड़ा हुआ, चार सिलेंडर है ये स्क्रैप में है जी। अब ये लोग ऐसे गाड़ी पूरा ले आते हैं जाके, और इसको फिर ये ऐसे पार्ट्स करके जो है ना, इसके एक एक पार्ट, जैसे यहाँ पे इसने किसी ने इसका हैंडल उतारा हुआ है, और यहाँ पे इसका साइड मेरे ख्याल से वो होगा, क्या कहते हैं, साइड कवर जो होगा वो उतारा हुआ है, यहाँ का साइड का फेंडर उतरा हुआ है, एक वो भी सामने खड़ी हुई है, और पीछे से इसकी डिग्गी भी वाइट डिग्गी है, लाइट्स की सीधे उतारी होंगी। और अगर अंदर देखेंगे तो अंदर तो तकरीबन खाली हुई पड़ी है। ये खुलता है? खुलता है? लॉक है। तो ऐसे यहाँ पर जो है ना जी स्पेयर पार्ट्स वगैरह बिकता है। ये निसान पेट्रोल है, ये भी इसी तरह मेरे ख्याल से सही होने के लिए आई हुई है, या मैं भी पार्ट्स करके ये सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे भी फेंडर साइड का निकाला हुआ है, जैसे यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई, इसका हाफ कटा हुआ है। अब ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है,
हाफ इससे कटा हुआ है। गाड़ी यहाँ से पता चलेगी निशान की गाड़ी है। इस तरह इसमें ये पूरा स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ से आते हैं और स्पेयर पार्ट्स, ये लाइट्स वगैरह हैं, ये कुछ है स्पेयर पार्ट्स, ये वायरिंग है इसकी, ये फ्यूज़ बॉक्स है। तो इस तरह यहाँ के सेकेंड हैंड में बिकते हैं ये। यहाँ पे देखना से यहाँ पे बम्पर पड़ा हुआ है लेक्सस का। हाँ बंधु, कैसे है? अस्सलाम वालेकुम। अल्टिमा का पार्ट है? अल्टिमा किधर है? अल्टिमा कितना वाला है? 2008। क्या मांगता है इसका? उसकी जंपिंग मांगता है और अब कंप्रेसर मांगता है। इस तरफ जगह अब्दुल हलीम का पार्ट मिल जाएगा। किधर? इधर आ गया अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम, चलें ये अब्दुल हलीम के पास जाके देखते हैं। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आपको खड़ी नज़र आ रही हैं या ज़्यादातर तो स्क्रैप गाड़ी है। यहाँ पर आपको जितनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ज़्यादातर स्क्रैप गाड़ियाँ हैं, अभी जिनकी नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं लगी हुई। जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई पूरी स्क्रैप में हैं। जिनकी नंबर प्लेट्स लगी हुई पता नहीं वो स्क्रैप में हैं या वो रिपेयर होने के लिए आई हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप भी बहुत ज़्यादा है ना, तो लोग रिपेयर भी होकर रिपेयर वगैरह भी करवाते हैं। देखिए यहाँ पे इस साइड पे निशान पेट्रोल खड़ी हुई है, साइड में सिक्योना खड़ी हुई है टोयोटा की, एफजे क्रूजर, निशान पेट्रोल ज़्यादा नज़र आ रही है। निशान पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होती लगता है। अरे ज़रा उस साइड पे चलते हैं, ये यहाँ तो मेरे ख्याल से वही है। अब ये देखें सिक्योना ये खड़ी हुई है एक, इसके मेरे ख्याल से आगे इसके देखें यहाँ से इसका पार्ट्स वार्ट उतरे हुए हैं, या ये गाड़ी ख़राब हो गई होगी या फिर स्क्रैप तो नहीं होती है, कि एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं है इसका, ये स्क्रैप हो गई हो। अब ये काफ़ी देर से खड़ी हुई है। अभी देखें ये निशान एक्सट्रेल खड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं। ये जो खड़ी हुई है निशान पेट्रोल है भाई, मॉडल मेरे ख्याल से ये है 2020 का V8 का। अब ये ऐसे खड़ी हुई है, पता नहीं है स्क्रैप होने के लिए, क्योंकि कोई मेजर एक्सीडेंट तो बता नहीं रहा इसका। पीछे से आप लुक देखिए बिल्कुल नया, एकदम ब्रांड नहीं हो, जैसे नई सी नई नहीं होती ना, नई वाली जैसे जैसे होती है, कहीं से कुछ एक्सीडेंटेड भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रही है। बस सिर्फ शीशे के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो पैच जो है ख़राब सा है। अब मालूम नहीं है यहाँ स्क्रैप में खड़ी हुई है कि या सेल होने के लिए खड़ी हुई है। अल्टिमा भी खड़ी हुई है, ये है ये 2008 मॉडल, मेरा ही मॉडल है। सामने प्राडो भी खड़ी हुई है, 2008 मॉडल है। अब ये भी मेरे ख्याल से स्क्रैप में होकर खड़ी हुई, जिस तरह की कंडीशन से लगता है कि स्क्रैप नहीं है। ये आर्मादा है, वो पिकअप है, वो भी लगता है स्क्रैप में खड़ी हुई है, भी आर्मादा है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वो रिपेयर में भी खड़ी रहती हैं। ये देखिए ना मेरे ख्याल से कुछ पेंट शेंट हुआ या इसका पेंट वेंट करने लगे इसके, क्योंकि साइड का फेंडर नहीं है उस साइड पर। आगे से अगर हम देखेंगे तो ये देखें ये स्क्रैप पे खड़ी हुई है, और ये है निशान की आर्मादा। ये अल्टिमा
ये है जी 2010 मॉडल। ये जो निशान वाली है ये मेरी आई गेस 2019 है, ये 2018 मॉडल है, लेकिन ये स्क्रैप वाली खड़ी हुई है। ये अल्टीमा है, ये खड़ी हुई है लैंड क्रूजर, ये भी 2018 मॉडल है, बिल्कुल सही है। अभी मालूम ये पाथ फाइंडर ही, मैं समझ रहा था कि एक्सट्रेल है, ये पाथ फाइंडर है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी मालूम नहीं कि स्क्रैप के लिए खड़ी हुई है या फिर, क्योंकि गाड़ी में कुछ अगर मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर अगर गाड़ी सही नहीं हो रही हो तो वो क्या करता है कि वो स्क्रैप में जाती है। इसी तरह लैंड क्रूजर है यहाँ पे 2018 मॉडल, दोनों सही तो हैं, आगे से भी सही है, इस साइड से भी सही है, कुछ मसला तो नहीं है, लेकिन मालूम नहीं है स्क्रैप के लिए खड़ी हुई हैं या फिर ये सेल आउट होने के लिए खड़ी हुई हैं, जिस तरह ये पाथफाइंडर खड़ी हुई है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल ठीक है, ये इसमें भी पाथफाइंडर भी यहाँ से ठीक है बिल्कुल बैक साइड से, और यहाँ से भी सही है। अभी मालूम नहीं स्क्रैप के लिए खड़ी हुई है, ये जो है सेल आउट होने के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि सेल आउट भी होती है यहाँ से। यह बेची पजीरो, ये भी तकरीबन सही खड़ी हुई, यहाँ से भी सही है और यहाँ से भी सही है। इसी तरह भैया मिसुबिशी की एसयूवी जीएलएस, ये भी तकरीबन सही है फ्रंट से, यहाँ से देखा तो ये भी ठीक है। ये आर्मादा निशान की, ये भी तकरीबन ठीक है, लेकिन यहाँ पे खड़ी हुई है मार्केट में तो अभी मालूम नहीं। ये देखें इस तरह निशान गैलन एसयूवी जो है वो भी तकरीबन बिल्कुल ठीक है आगे से फ्रंट से, और यहाँ ये भी तकरीबन बिल्कुल ठीक है आगे फ्रंट से, इसमें कुछ मसला नहीं है। निशान आर्मादा भी बिल्कुल ठीक है फ्रंट से, लेकिन फिर भी यहाँ खड़ी हुई है, अभी मालूम नहीं है स्क्रैप के लिए हैं या सेल आउट करने के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिम है बड़े में यूज्ड अल्टीमा, कितने नंबर नंबर कितना है गाड़ी का नंबर, गाड़ी का टायर 17 17 का नहीं है। ये कितने वाले ऊपर जो लगे हुए हैं, कितने भी चाहिए आपको हैं, कितने भी चाहिए? एक नहीं, मुझे सारी बात चार चाहिए ना, एक क्या क्या करेगा मैं लेके आपको गाड़ी में? ऐसा हदीद वाला या नहीं, कैसे वाला आपको गाड़ी में? ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं है, उसमें रिम लगा हुआ। 17 नंबर लगा हुआ। ये कितने का, इसका वैसे प्राइस बताओ एक, ये ला कितने का, ये कौन सा गाड़ी का? कैमरी का नंबर कितना? 16 17 17 15 16। अच्छा मिशन का है। अच्छा ये कितना, एक ही हो आपके पास पड़ा हुआ है कि चार पीस पड़ा हुआ है? ये कितने का चार पीस? हाँ 700 चार पीस। पुराना वाला देना पड़ेगा, पुराना वाला देना पड़ेगा, यानी जो मेरा पुराना लगा हुआ वो देके 700 में चार पीस। ये ले क्रिस्लर कितने का है? दो है। हाँ क्रिस्लर खड़ा हुआ है, कितना? 200 400 लगा के देगा तो? लगाता नहीं है यार, क्रिस्लर खड़ा हुआ है। और कंप्रेसर, हाँ क्रिस्लर खड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। अभी मालूम नहीं मेरे ख्याल से स्क्रैप में कुछ इसका फॉल्ट आ गया होगा, तो बंदा क्या मतलब है इसको स्क्रैप कर दिया हमने। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो यहीं पर मुकम्मल करते हैं, अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का और हम सबका ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।